इस बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री प्रताप सिंह बाजवा जी। जी थैंक यू सर। सर इस बजट पर बहुत सारे फाइनेंशियल डिजिट जो हैं और बहुत सारे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उन्होंने अपने विचार रख दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने निचोड़ निकाल दिया, किसी ने पक्ष में किसी ने विपक्ष में। टाइम क्योंकि मेरे पास बहुत कम है, मैं 6 मिनट हैं। हाँ जी, 5-6 मिनट आपने दे, चलो 5 मिनट पूरा करिए, आप मेहरबानी कीजिए एक दो और दे दीजिए। मेरे तो मैं विशेष तौर से सीधा पंजाब पर और किसानों पर आना चाहता हूँ। बिल्कुल। और उसमें सबसे पहले ये मैं बात बताना चाहता हूँ सर, 30 साल में 1990 से लेकर आज तक 30 साल में सर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो GDP का शेयर था वो 30% से कम होकर 13.9% रह गया। उसका मतलब तकरीबन 16% कमी हुई है ये पिछले 30 साल में। और एम्प्लॉयमेंट अभी भी 42% गाँव में ही है हिंदुस्तान के। जो इनकम है गाँव की और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसका बहुत फ़र्क है, जिसकी वजह से आज मैं किसी पार्टी को देखो, हर पार्टी कोशिश करती है अच्छा करने की, ये हमें इधर तो ये रास्ता ढूंढना है कि कैसे हमारे जो रूरल बेल्ट है उसको कैसे मौका मिल सकता है। मैं विशेष तौर आपको ये सर बताना चाहता हूँ, ये जो एक बेल्ट है जिसने पिछले 65 साल से देश में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया वो है पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न UP के फार्मर्स, जो उनको सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है देश की सपोर्ट की। फाइनेंस मिनिस्टर को यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, विशेष तौर पंजाब का हाल बताना चाहता हूँ सर। पंजाब में तो ये हाल हो चुका है कि कोई भी जमींदार का बच्चा आज, किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाहता। हमारे नौजवान बच्चे स्कूल के बाद ही आइलेट्स करते हैं, कोई कैनेडा को भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया को जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड को जा रहा है, कोई यूरोप को जा रहा है। और पिछले साल सर एक स्टडी हुई, चेयरमैन साहब आपका विशेष ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, एक स्टडी हुई जिस स्टडी ने यह बात बताई कि 1.25 लाख पंजाबी हर साल अपने घर बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर, जो हम माँ से ज़्यादा जिसको प्यार करते हैं, बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान से आए, इस देश को इस ज़मीन को आबाद किया, अब इसको छोड़कर वहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि हालात आज नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। हमें सभी को सिर जोड़कर इस इधर ध्यान करने की ज़रूरत। एक प्राइवेट सर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी की, पिछले साल एक साल में 27,000 करोड़ पंजाब का रेवेन्यू देश के बाहर गया। ब्रेन ड्रेन भी हो रही, हमारे इंजीनियर्स जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। सो द गवर्नमेंट हैज टू सीरियसली थिंक ओवर दिस, व्हाट हैज टू बी डन। इसके आगे मैं ये गुजारिश आपको ये सर करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो इस ग्रोथ है वो हमारी 2.5% है, और जो बजट में भी एलोकेशन हुई वो भी तकरीबन 2.5-3% हुई है। और जो एक गवर्नमेंट का, मोदी जी की गवर्नमेंट का एक सपना है कि डबल की जाए आमदन, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हमें टारगेट मीट करना चाहिए, मगर उसके लिए जितनी देर हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर कम से कम 15% पर इसके इसमें इंक्रीज नहीं आती 8-10 साल, उतनी देर डबलिंग हम नहीं कर पाएंगे। हम सब किसानों के बेटे, हमने खुद किसानी की हुई है, आज हालात वहाँ के बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, एक मैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, हमारे छोटे भाई हैं हिमाचल प्रदेश से बैठे हुए हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहबा इधर नहीं है, मेरी गुजारिश है कि एक मेरी सजेशन है मनरेगा के नीचे के किसान जो 5 एकड़ और 5 एकड़ के नीचे का किसान है, अनुराग जी मैं आपको कह रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए सारे देश के किसानों को 5 एकड़ और नीचे के, जो वो अपने घर की जिम्मेदारा करते हैं, उनकी फैमिली जिम्मेदारा करती है, वो भी अगर मनरेगा में इंक्लूड हो जाए तो मैं समझता हूँ उनकी आमदन बढ़ सकती है। और जो हमने गारंटी दी हुई वो कम से कम 150 दिन, और उसकी जो प्राइस है वो कम से कम जो हमारा इंडेक्स है, जो हम मिनिमम वेज देते हैं, वहाँ तो 14-15 स्टेट्स ऐसी हैं जो मिनिमम जो गवर्नमेंट का रेट है वहाँ तक भी पैसे नहीं दे पा रही। तो अगर आप ये करेंगे रूरल इंडिया में पैसा कैसे पहुँचेगा? आप देख ही रहे हो जो NSSO की सर रिपोर्ट है, उसके अधीन इंडिया की जो कंजम्पशन है वो 8.8% रूरल इंडिया में फॉल की है, और फूड कंजम्पशन 10% नीचे आई।
अगर पैसा जाएगा तो फूड कंजम्पशन भी बढ़ेगी, हिंदुस्तान के जिम्मेदारों का भी कुछ इससे हो पाएगा। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, शहरों से, शहरों के क्लस्टरों के बजाय हिंदुस्तान के रूरल बेल्ट में जानी चाहिए, जहां एग्रीकल्चर है वहां इंडस्ट्री हो, वहां किसान छोटा सर एग्रीकल्चर भी करे और एक टाइम फैक्ट्री में भी अपना गुजारा करे। इसके साथ सर सर तीन डिमांड्स पंजाब की, हमारी कोशिश है डाइवर्सिफिकेशन। मैं हिंदुस्तान की सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम पैडी छोड़ना चाहते हैं, पैडी से बहुत भारी नुकसान हो रहा है, हम मेज की तरफ जा रहे हैं, और हमारी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विशेष सपोर्ट मेज को करे, मेज को मक्के को सपोर्ट करेगी, पंजाब अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इसके साथ पैडी की बात है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सर लिखा है विशेष तौर मोदी साहब को कि हमारी बहुत बदनामी होती जब देश हमारा एक गैस चेंबर बन जाता है, सभी लोग कहते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों की जो ये पराली को आग लगा रहे हैं वो इसके लिए एक जिम्मेवार है। हमारी गुजारिश यह है 2.5 से 3 हजार रुपया फी एकड़ किसान का सर खर्चा है, अगर 100 रुपया आप बोनस पैडी पर, हिंदुस्तान में जब पैडी आ रही है, चावल आ रहा है, तब बोनस आप ऐलान कर दीजिए, बिल्कुल एक एक इंच भी वहां का कोई ऐसी पराली नहीं जलाएगा किसान, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथ में हमारे भाई शेखावत साहब बैठे हुए हैं, शेखावत जी जी आखिरी हमारे पानी वाले मंत्री साहब, आपने 6 स्टेट्स इंक्लूड कर ली अटल जी के नाम पर, एक नई योजना बनाई है जी। तो आपने पंजाब छोड़ दिया भैया, और 7 स्टेट्स हैं, पंजाब आपने उससे बाहर कर दिया। हमने तो अपना पानी जो है आपको दिया कई साल पहले, राजस्थान ने पंजाब का पानी लिया, जब आपकी बारी आपने हमें बाहर निकाल दिया जी, बाजवा जी। तो कृपा कीजिए सर, ये मेरी गुजारिश। और लास्ट में जी, एक ही है, 31,000 करोड़ रुपया पंजाब का फूड का रहता है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपया 15th Pay Commission मानी है हमने पंजाब को देना है। मेरी हाथ जोड़कर विनम्र बेनती है, अनुराग जी आप हमारी बहन को भी कहिए, 6,000 करोड़ रुपया पंजाब का कृपा करके जल्दी दीजिए, हम टेररिज्म से भी लड़ रहे हैं, हम ड्रग से भी लड़ रहे हैं, और कृपा कर हिंदुस्तान की सरकार से लड़ना हमारा बनता नहीं, कृपा कीजिए, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी।